दैनन्दिन व्यवहारेषु संस्कृत प्रयोगः अस्याः भाषायाः लोकप्रसाराय अधिकोपयुक्तः इति मतं प्रतिपाद्यते संस्कृताभिरुचिमता विदुषा श्रीमता एन् गोपालस्वामी महोदयेन। भारतीय प्राशासनिक सेवायाः नानापदेषु कार्याचरणपूर्वकम् अमुना भारतस्य मुख्य निर्वाचनायुक्त पदमपि विभूषितमस्ति। पैतृकैः संस्कृत संस्कारैः समलंकृतः गोपालस्वामी महोदयः तदीयां तत्त्वनिष्ठां सत्यनिष्ठां चालक्ष्य वर्तमान शताब्दस्य पञ्चदशे वर्षे पद्मभूषणम् इति प्रतिष्ठापूर्ण बहुमानेन सभाजितः। साधयामः अद्य अतिथि विशेषेण अनेन सह संवादम्। स्वागतमस्तु महोदय। प्रथमं तावत् प्रष्टुमिहे यत् भवता रसायन विज्ञान शास्त्रे गहनाध्ययनं विहितं तत्र च सुवर्णपदकमपि अधिगतम् अस्ति। सममेव भवान् संस्कृतविषये प्रगाढाभिरुचिमपि सन्धत्ते। कथमेतत् भिन्नप्रकृतिकं विषयद्वयं साधितमस्ति भवता? एतत् भिन्नप्रकृति इति अहं न मन्ये। मेरा जो उचेर जो है वो मेरे दादा दादी के यहाँ हुआ था। वो संस्कृत के बहुत गाढ़ अभ्यासी थे, इसलिए मुझे भी संस्कृत में संस्कृत के विषय में बहुत अभिरुचि हुई थी। मुझे एहसास हुआ कि ज़्यादातर संस्कृत के बारे में सीखते थे, संस्कृत कम सीखते थे। उस वक़्त की जो संस्कृत की पाठ्यक्रम पढ़ाने की जो पद्धति थी वो ज़्यादातर बेस्ड मोर ऑन संस्कृत ग्रामर, यानी कि संस्कृत ग्रामर पहले सिखाते थे। मगर आप रोज देखेंगे छोटे बच्चे जो हैं वो कोई भी भाषा जान लेते हैं मगर भाषा की ग्रामर जानने के बाद नहीं। पहले बोलना सीखते हैं, उसके बाद उनको ग्रामर का परिचय होता है। जब स्कूल में आते हैं ग्रामर का परिचय होता है तो ये संबंध गाढ़ बन जाता है। तो यहाँ क्या होता है, पहले ग्रामर की वजह से बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स आ जाते हैं कि बहुत रटना पड़ता है वगैरह वगैरह। तस्मादेव एषा भाषा जटिला प्रतीयते, ऐसा ऐसी मान्यता है। हाँ। जिसको तोड़ने के लिए काफ़ी कुछ काम किया हुआ है। मैं दाखिला लूँगा संस्कृत भारती का। 1981 में उन्होंने कर्नाटक में संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से सिखाने की एक पहल उठाई थी। हाँ। और बहुत सक्सेसफुल रहे थे। व्हाट दे हैव डन इज दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड मटीरियल। अब ये भी एक पिछले 5 साल से एक संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन इति एक संस्था है इधर दिल्ली में। उन्होंने भी इसमें एक खास काम हाथ में लिया है। एक तो पहले 500 से अधिक वीडियो तैयार करके नेट में डाला हुआ है, जहां आप संस्कृत भारती के जो हर एक लेवल की परीक्षा जो है उसके लिए जो किताब तय किए हुए हैं उसको पढ़ने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए भी, यानी कि टीचर्स को भी, हाँ, उनके लिए सरल भाषा में इसको समझाने के लिए उन्होंने वीडियो तैयार किए हैं। इसलिए पूरी जो एफर्ट जो है अभी संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाओ ताकि बच्चों में भी ये अभिरुचि हो। तो उन्होंने ये भी किया है कि CBSE सिलेबस के NCERT के जो किताब हैं संस्कृत के 6 to 12 उसको, उसके लिए पूरा गाइड, मानिए तो गाइड बोथ फॉर टीचर्स एज वेल एज फॉर दी स्टूडेंट्स। सेल्फ लर्निंग भी हो सकता है उसमें से। हाँ। वो पूरा तैयार करके नेट में डाला हुआ है। भवता संस्तुतमस्ति यत् IIT समेषु उच्चतर संस्थानेषु विज्ञान प्रविधि संस्थानेषु अपि संस्कृतं शिक्षणीयम्। देखिए हमारी संस्कृति या कहें या ये भारतवर्ष जो कहें कम से कम 2500 से 5000 साल का जो इसके पीछे इतिहास है, और आज जैसे लोग रह रहे हैं लोग पहले भी रहे थे, कृषि भी होती थी, लोगों को रोग भी होता था उसके लिए उपचार भी होता था। तो इसलिए कुछ न कुछ उनके यहाँ कुछ भंडार होगा जिसका ज्ञान जो है तो हम क्यों खोएं उसको। हाँ। उसको भी जानना चाहिए, उसमें जो अच्छे चीज़ हैं उसको लेना चाहिए। तो कब लेंगे आप ये, तभी वो हो सकता है जब
आपको संस्कृत के बारे में कुछ ज्ञान हो और उसके ज़रिए आप सीखने की कोशिश करो। इसलिए हमने हमारी जो संस्कृत कमिटी थी उसमें रिकमेंडेशन हमने ऐसा दिया था कि कंपलसरी की बात ही उठना नहीं चाहिए, जिसको भी चाहिए उसको ये उपलब्ध होना चाहिए। एवं तो वैश्विक स्तरे पे संस्कृत प्रचार सुकर भविष्यति। मैं मानता हूँ कि अब योग जो है, योग सब जगह जा रहा है, योग के मूल में संस्कृत भी है। संस्कृत की पढ़ाई बाहर के देशों में चलती है कि अन्य कारणों सहित के लिए भी चलती है, इंडोलॉजी की के लिए चलती है, जो हमारे वेद और वेदांग जो है उसकी पढ़ाई के लिए भी चलती है। मगर अब जो है एक ट्रेंड सा बन रहा है कि आयुर्वेद, वृक्षा आयुर्वेद, ये सब के लिए भी ये कितना काम आया था पहले, और उसमें कोई ज्ञान हो तो उसको लेने के लिए कोशिश अभी जारी होगी, शुरू होगी और शुरू हो रही है, और उसके उसकी तहत संस्कृत की पढ़ाई भी मैं मानता हूँ। तदर्थमेव संस्कृतम प्रति अपि आकर्षित मानी। तर्हि बालेषु उतवा युववर्गेषु संस्कृतभाषायाः अधिकाधिक लोकप्रियतायै प्रभावितमः कोऽस्ति उपायः? जब आप संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने के लिए व्यवस्था करेंगे तब इसकी अभिरुचि थोड़ी बढ़ेगी। पुराना ज्ञान भंडार को खोलने के लिए संस्कृत उपयोगी बनेगी, इसलिए भी लोग संस्कृत के प्रति आकर्षित होंगे। अद्यतनम् हि अन्तर्जालीयं युगमस्ति, तर्हि दृश्य श्रव्य माध्यममपि किं तत्र किमपि कर्तुं सक्षमम्? ये बहुत ज़रूरी है। अभी तो लोगों को पढ़ने की अभिरुचि कम है, देखने और सुनने की अभिरुचि ज़्यादा है। तो दृश्य श्रव्य माध्यम के माध्यम से करना ही अब के समय के लिए बहुत उचित रहेगा। भवान वार्तावलीं विलोकयति? समय मिलते ही मैं देखता हूँ। मगर मैं इतना कह सकता हूँ, मेरे दो तीन रिलेटिव्स हैं यूएस में, वो ज़रूर देखते हैं, और जहाँ जहाँ उनको बहुत अच्छा लगता है वो मुझे लिंक भी भेजते हैं कि आप भी देखो। इसलिए मैं मानता हूँ इसकी जो अभिरुचि है, इसकी इसको देखने की जो तैयारी है, वो विदेश में जो भारतीय हैं उन तेषां कृते उन तक ये पहुँचता है। भवता तु वेद विषये अपि अध्ययनं कृतमस्ति? अध्ययनं किमपि तत्र भवतः कृते उपयुक्ततमम् उद्बोधकं वा स्यात्? एक मैं कह सकता हूँ इस समय के लिए, इस काल के लिए आधुनिक संदर्भ में बहुत आधुनिक एवं अद्यतन उपयुक्त है। मैं मानता हूँ कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्याम जगत्, ये आप स्वीकार ऐसे करो, एक एक समर्पण की भावना से स्वीकार करो। तेने तक्तेन बुंजीता मागृदः कस्य चिद्धनं। सभी को मिलना चाहिए, इस समर्पण भाव से उसको स्वीकार करोगे तो सभी के लिए अच्छा है। अब यही कहते हैं, अभी जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन वगैरह वगैरह जो है, एनवायरमेंट को मत बिगाड़ना, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मत करना, पानी हो दूसरी चीज़ हो, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। तो तेन तक तेन बुंजीता माँ गृदर कस्य चिद्धनं। एवम एवं महान रुचिकरः संवादोऽयं सम्पन्नः। वार्तावली पक्षतः हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। उपकृतास्मि। नमस्कार। धन्यवादः।